दोस्तों, अगर आप एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन लेने जा रहे हो, आपका जो बजट है वो बहुत टाइट है, मात्र 4,000 रुपये के आसपास होने वाला है, तो यहाँ पे आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपको काफ़ी अच्छे फीचर के साथ मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे स्मार्टफोन आपको मिल जाते हैं 4,000 या 5,000 रुपये के रेंज में, लेकिन यहाँ मैं आपको 4,000 रुपये में कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए बताऊँगा। साथ में आपको बताऊँगा अगर आप 5,000 रुपये लगाना चाह रहे हैं तो 5,000 में आपको कौन सा फ़ोन बेटर मिल जाएगा। तो दोस्तों, बने रहें इस वीडियो में, बहुत वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, कौन सा फ़ोन होने वाला है और कौन सा फ़ोन आपको लेना है। तो बने रहें इस वीडियो में, मैं हूँ प्रवीण और आप देख रहे हैं टेक्नो प्रवीण। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको नई नई इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं 4,000 रुपये के स्मार्टफोन के बारे में, कि 4,000 रुपये में हमको कौन सा स्मार्टफोन मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ जियोनी स्मार्टफोन का। जी हाँ दोस्तों, जियोनी F205 Pro। जी हाँ दोस्तों, ये आपको 4,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा अमेज़ॉन पे, जो कि काफ़ी अच्छे फीचर के साथ मिलता है। यहाँ पे बात की जाए इसके वेरिएंट की, तो आपको 2GB और 16GB स्टोरेज के साथ आपको 4G स्मार्टफोन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा एंट्री लेवल फ़ोन आपके लिए मिल जाएगा। यहाँ पे अगर बात की जाए इसके और भी स्पेसिफिकेशन की, तो सबसे पहले बात करें इसके डिस्प्ले की, तो यहाँ पे जो आपको डिस्प्ले मिलता है वो मिलता है 5.45 इंच का HD IPS डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि 4,000 रुपये के बजट के हिसाब से काफ़ी अच्छा डिस्प्ले आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अगर बात की जाए इसके कैमरे की, तो आपको जो कैमरा मिलता है वो 13 मेगापिक्सल का बैक में मिलता है और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, जो कि कैमरा भी काफ़ी अच्छा आपको ठीक ठाक मिल जाता है एक अच्छे बजट में। इसके अलावा दोस्तों, बात की जाए इसके सिम की, तो आपको यहाँ पे ड्यूअल सिम मिल जाता है, जो कि 4G आपको सपोर्ट करने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छे फीचर हैं, जो कि आपको मिल जाते हैं मात्र 4,000 रुपये के बजट में। अगर इसके अलावा बात की जाए इसकी बैटरी बैकअप की, तो आपको बैटरी जो मिलती है वो 3000 mAh की बैटरी मिल जाती है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए ये फ़ोन 4,000 रुपये के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा। वहीं दोस्तों, बात की जाए इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो एंड्रॉयड हो गई 8.1 का आपको सपोर्ट मिल जाता है। तो दोस्तों, ये था 4,000 रुपये के हिसाब से आप एक नया स्मार्टफोन लेने जा रहे हो एंट्री लेवल फ़ोन, तो आपको जियोनी F205 Pro मिल सकता है। यहाँ पर अगर बात की जाए, अगर आपका बजट जो है वो 4,000 से ऊपर जा सकते हैं, आप मतलब 4,500 या 5,000 तक जा सकते हैं, तो आपके लिए और भी स्मार्टफोन हो सकते हैं रेडमी के। दोस्तों, यहाँ पर रेडमी के 2 स्मार्टफोन आते हैं, एक आता है रेडमी गो, जो कि 4,500 से 5,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा, और यहाँ पे 5,000 रुपये में आपको मिल जाएगा Redmi 7A। जी हाँ दोस्तों, Redmi 7A काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अगर आप 5,000 रुपये लगाते हैं तो, 4,000 रुपये से ज़्यादा लगाना चाह रहे हैं, तो 5,000 रुपये में आपको Redmi 7A मिल जाएगा, जो कि सबसे बेहतर स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा। वहीं अगर आप 4,000 रुपये लगाने चाह रहे हैं, तो आपको जियोनी का ये स्मार्टफोन भी काफ़ी अच्छे फीचर के साथ मिल जाता है। तो दोस्तों, ये था स्मार्टफोन जो कि आपको 4,000 रुपये के बजट मिल जाएगा। अगर आप 4,000 रुपये का बजट लगाने जा रहे हैं, आपके बजट जो है वो कम है, तो आप 4,000 रुपये में जियोनी का ये स्मार्टफोन ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको नई नई जानकारी सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।